वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर कानून बशारत राजा की मुलाकात हुई। पंजाब असेंबली के बजट सेशन और अरकीन को कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती इकदामात पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि अरकान असेंबली के तहफ्फुज़ के लिए पंजाब असेंबली के बजाय मकामी होटल में बजट सेशन हो रहा है। कोरोना की वबा ने हर तबके को मुतासर किया है। बजट में कमजोर तबके के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम तजवीज किए जाएंगे। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे मनसूबा बंदी कर ली गई है। अगले माली साल के बजट में हर तबके का खास ख्याल रखा जाएगा। कोरोना की वजह से सरकारी महासिल की वसूली में कमी हुई है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आम आदमी की माशी मुश्किलात का अजाला हमारी पहली तरजीह है। मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने वाला बजट पेश करेंगे, गैर जरूरी अखराजात कम करेंगे। पंजाब हुकूमत ने दो बरस के दौरान आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए रिकॉर्ड कानून साजी की है। पंजाब असम्बली का कानून साजी के हवाले से रिकॉर्ड दीगर सूबों की असम्बलियों के मुकाबले में सबसे बेहतर है। हर लम्हा आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ्फुज़ किया है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत माशरे की हर तबके की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रही है। अवाम खोखले नारे नहीं अमली इकदामात चाहते हैं। अपोजिशन के पास फलाहे आमा का एजेंडा है, ना कोरोना से निमटने का। माजी की तरह अब सूबे में ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं बल्कि मेरिट और गवर्नेंस की हुकुमरानी है।